हेलो व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो बिफोर दैट, इफ यू हैडेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट और यू आर न्यू टू माय चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस। तो इन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम इनके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और ये प्रूव हो गया था कि ईथर जैसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही ईथर की कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पहले जो हम ईथर को एक फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे थे, वो अब कंसिडर नहीं कर सकते थे। इससे फिर आइंस्टीन ने दोबारा से फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स को एग्जामिन किया और उन्होंने किसी फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट था उसे एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी मोशन को मेजर करेंगे तो वो किसी सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव मेजर करेंगे और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूविंग होगा। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पर बेस्ड उन्होंने एक न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की थी और इस थ्योरी का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी की हेल्प से हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है, या आप कह सकते हो व्हेन वी टेंड्स टू सी, उन सिचुएशंस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ जो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के या फिजिकल फिनामिना के, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज, वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे, वैलिड रहेंगे। यहाँ जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें या तो पार्टिकल रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो यहाँ ये जो दोनों इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, ये मूव कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद कांस्टेंट वेलोसिटीज, और इनमें जो फिजिकल फिनामिना के लॉज हैं, जो फिजिक्स के लॉज हैं, वो सेम रहेंगे और वैलिड रहेंगे। तो ये था आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन के सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट और कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसा कि इस प्रिंसिपल का नाम ही बता रहा है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी इनवेरिएंट रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स, ऑब्जर्वर और बोथ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी सभी डायरेक्शंस में, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगी और वो सोर्स के, ऑब्जर्वर के या दोनों के मोशन पर, वेलोसिटीज पर डिपेंड नहीं करेगी, उनसे इंडिपेंडेंट होगी। ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर बेस्ड है और इस पोस्टुलेट की हेल्प से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स रिलेटिविटी। तो ये सब था आइंस्टीन पोस्टुलेट और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरह से गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिफरेंट है, इन दोनों थ्योरीज के बीच में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देखिए, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। जैसा कि अभी हमने सेकंड पोस्टुलेट में भी देखा था कि लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शंस में, सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वहीं गैलीलियन थ्योरी के अकॉर्डिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड वेरी कर जाती है। आइंस्टीन थ्योरी वैलिड है फॉर लो एंड हाई स्पीड्स बोथ, जबकि जो गैलीलियन थ्योरी है वो सिर्फ लो स्पीड्स के लिए वैलिड है, जहाँ जो वेलोसिटीज हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होती है, या आप कह सकते हो व्हेन वी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी, वे सी इज स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम कांस्टेंट नहीं होता, या आप कह सकते हो टी इज नॉट इक्वल टू टी डैश अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेयर एज गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज t is equals to t dash according to Galilean theory of relativity. So this is all about postulates of special theory of relativity and point of difference between Einstein theory of relativity and Galilean theory of relativity. Thank you.